नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धन लक्ष्मी ज्योतिष में। आज हम बात करने वाले हैं आपके बच्चे की शिक्षा के बारे में। बहुत से प्रश्न मेरे पास आते हैं कि हमारे बच्चे की शिक्षा कैसी होगी, पढ़ाई में वो उत्तम रहेगा, मध्यम रहेगा या बिल्कुल पढ़ नहीं पाएगा। तो बच्चों की शिक्षा के बारे में यदि कुंडली अनुसार देखना हो तो चंद्रमा की स्थिति कुंडली में कहाँ पर चंद्र ग्रह विराजमान है उसकी स्थिति देखी जाती है। तो मित्रों, जैसे लग्न कुंडली के अंदर प्रथम भाव में यदि चंद्रमा विराजमान हो, ये ध्यान रखें कि चंद्रमा हमेशा अकेला हो तो अधिक फल देता है, या शुभ ग्रहों की दृष्टि के साथ हो तो फल देता है। यदि चंद्र ग्रह कुंडली में राहु केतु की दृष्टि या राहु केतु के साथ हो तो कभी भी आपको अच्छा फल नहीं देता है, तब ये नियम लागू नहीं होता है। अगर कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा विराजमान हो तो विद्या प्राप्ति से लाभ होता है, बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है, शिक्षा से उसे रुकावट नहीं होती, निर्विघ्न उसकी शिक्षा पूर्ण होती है और अच्छी जॉब आदि मिलने के भी चांस बनते हैं। मित्रों, यदि कुंडली के दूसरे भाव के अंदर चंद्रमा विराजमान होता है तो विद्या प्राप्त व्यक्ति करता है, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो, चाहे उसके पिता की आर्थिक स्थिति खराब हो, घर में पैसा ना आता हो, परंतु फिर भी बच्चा अपनी मेहनत, अपनी स्ट्रगल से पढ़ाई में अच्छा स्तर प्राप्त करता है और लाभकारी स्थिति उसकी होती है और उसे जॉब आदि मिलने में भी लाभ होता है। यदि कुंडली के तीसरे घर में चंद्रमा विराजमान होता है तो विद्या प्राप्ति में माता का बहुत योगदान होता है। यदि पिता सहयोग नहीं भी करते, कमाई नहीं भी करते, परंतु माता उसकी ऐसी होगी कि वो कहीं से मांग करके भी ला देगी, परंतु शिक्षा में उसे उत्तम, पढ़ाई में उत्तम करवाएगी और बहुत अधिक माता का योगदान होगा तीसरे घर में चंद्रमा होने पर। इसी प्रकार कुंडली के यदि चौथे घर के अंदर आपके चंद्रमा विराजमान होता है तो विद्या का स्तर बहुत उत्तम होता है, बच्चा पढ़ाई में खुद भी बहुत समझदार, लायक बच्चा होता है और उसकी शिक्षा में कोई रुकावट भी नहीं आती, निर्विघ्न शिक्षा उसकी पूर्ण होती है। पढ़ाई के बाद ऐसे बच्चे विदेश में जाकर के भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने में ये चंद्र ग्रह इनका सहयोग देता है। इसी प्रकार यदि पांचवें घर के अंदर आपके चंद्र ग्रह विराजमान हो तो विद्या तो प्राप्त करता है, परंतु कई तरह की रुकावटें उसमें आती हैं। विद्या लाभकारी अवश्य रहती है लेकिन स्ट्रगल बहुत होती है। इसके अलावा यदि छठे घर में, सिक्स्थ हाउस में आपके चंद्रमा विराजमान हो तो विद्या में अड़चने आती हैं, परेशानियां आती हैं। यदि आपके सेवंथ हाउस में चंद्र ग्रह विराजमान हो तो विवाह से पहले जितनी शिक्षा हो जाए वही माननी चाहिए, विवाह के बाद शिक्षा में विघ्न आने लग जाते हैं। जिन बच्चों का जल्दी शादी हो जाती है सोचते हैं कि विवाह के बाद हम उच्च शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, उनकी पढ़ाई में विघ्न आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सप्तम भाव में चंद्र होने पर पढ़ाई जो है विवाह के बाद नहीं हो पाती। यदि अष्टम भाव के अंदर आपके चंद्र ग्रह विराजमान हो तो हमेशा माँ के प्यार की कमी रहती है, माँ का अभाव रहता है और विद्या की कमी रहती है। यदि बाकी ग्रहों की स्थिति शुभ हो तो विद्या अवश्य पूरी होती है, परंतु विघ्नों के साथ, कष्ट कठिनाइयों के साथ, और बच्चा पढ़ाई के समय बार बार बीमार भी पड़ने लग जाता है। इसके अलावा यदि नौवें घर के अंदर, नाइन्थ हाउस के अंदर आपके चंद्रमा विराजमान हो तो बच्चे की शिक्षा अच्छी रहती है और प्रचारक
आलोचक और शिक्षक बनता है ऐसा बच्चा, चाहे पूरी विद्या का मालिक न भी हो, परंतु उसके अंदर विद्या के बहुत से क्वालिटीज होती हैं, अलग अलग तरह की विद्याएं वो व्यक्ति प्राप्त करता है और उसका भाग्य भी उससे चमकता है। दसवां घर विशेषतः ये जो इसमें जो चंद्रमा विराजमान होता है तो विद्या में रुकावटें जरूर होती हैं, विशेषकर स्कूल कॉलेज की शिक्षा में, उच्च शिक्षा में रुकावटें आती हैं, बच्चा डरता रहता है पढ़ाई करते समय और वो अपने पिता का कारोबार अधिक संभाल पाता है। इसके अलावा 11th हाउस में यदि आपके चंद्रमा विराजमान है तो विद्या में रुकावटें आएंगी ही आएंगी, विशेष करके आपका धन से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है, आपको रोग से संबंधित परेशानी आ सकती है और विद्या रुक रुक करके होती है। यदि मित्रों 12वें घर के अंदर आपके चंद्र ग्रह मजबूत स्थिति में ना हो तो घर से बाहर रहकर विद्या प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति विदेश में भी चला जाता है, वहां भी शिक्षा प्राप्त करता है, परंतु ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अकेले और एकांत में जाकर के शिक्षा यदि ग्रहण करते हैं और अकेले पढ़ते हैं तो इनकी शिक्षा का स्तर बहुत उच्च होता है और बहुत तरह के ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। तो ये था 12 घरों में चंद्रमा की स्थिति के अनुसार शिक्षा का क्या स्तर रहेगा आपके बच्चे का। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें जिससे हम आपकी कुंडली देख करके एनालिसिस करके और अधिक तरीके से बता सकते हैं कि आपका बच्चा शिक्षा में कैसा रहेगा। इसके अलावा मित्रों यदि आप अपने बच्चे की कुंडली में राहु और केतु की स्थिति देख पाएं तो अधिक अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। इसके लिए नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे राहु और चंद्र की युति होने पर शिक्षा के प्रभाव, तो वो अवश्य देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।